मुंबई में रोग निदान में निष्फलता प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 25। स्वास्थ्य में सुधार न होने से पूज्य गच्छाधिपति और पूज्य गुरुदेव गुंडरत्न श्री शिवजी साहब की आज्ञा से मुंबई जाकर उपचार करवाना निश्चित हुआ। मुंबई पहुंचकर बड़े बड़े डॉक्टरों से मुलाकात कर रोग का निदान करने की पूरी कोशिश की। 3 साल से परीक्षण करते करते रिपोर्ट्स की बड़ी 3 फाइल्स इकट्ठी हो गई थी। फाइल्स पढ़कर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। आपने सारे परीक्षण करा दिए परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा है। बीमारी तो है, ये बात तो निश्चित है, परंतु पता नहीं चल रहा है। अंत में सभी डॉक्टरों की एक ही बात, इनको मानसिक बीमारी होगी। किसी डॉक्टर ने कहा, मानसिक बीमारी नहीं है, आप खुराक पर ध्यान दीजिए, इससे सुधार होगा। और कोई डॉक्टर कहते, इनको पाचन की ही तकलीफ है, आयुर्वेद से इलाज कराओ। डॉक्टर एकमत नहीं हुए। सभी को ज्योतिषी की बात याद आती रही, तुम मेहनत कर लो लेकिन बीमारी का पता नहीं चलेगा। 1 महीने तक अलग अलग डॉक्टरों की मुलाकात लेकर 7 दिन के लिए ख्यातनाम गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में हॉस्पिटल में एडमिट भी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में 3रे नंबर पर जिनका नाम आता है, ऐसे उस पेट के डॉक्टर ने कहा, महाराज जी आप मुझसे ठीक हो जाओ तो मुझे विश्व में नोबेल अवार्ड मिल जाएगा। अंत में मुंबई के ख्यातनाम वैद्य देवचंद भाई गाला की दवा शुरू की। वैद्य जी ने कह दिया था कि महाराज साहेब केस बहुत गंभीर है, फिर भी हम प्रयत्न कर लेते हैं। जनवरी के बाद उनकी तबीयत में तेज गति से गिरावट आई। मार्च महीने में तो शक्ति इतनी घट गई कि अब पाट के ऊपर से खड़े होने में भी काफी श्रम पड़ता था। जगह जगह पर वे स्वयं की अशक्ति अनुभव कर रहे थे। उन्होंने स्वयं सहवर्ती महात्मा से कहा था कि शक्ति बहुत घट गई है, अब खुराक भी पहले से काफी कम लिया जा रहा है, पेट भर जाता है। ये फरियाद उनके मन के ऊपर असर न कर दे, इसलिए मुनि श्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब ने बात को टालते हुए कहा कि ये तो अभी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के लिए लिक्विड पिलाया था, तब से थोड़े पेट पर असर हुआ है, थोड़े दिनों में कंट्रोल में आ जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर थोड़ी शक्ति भी महसूस होगी। परंतु मुनिश्री को यह ख्याल था कि क्या तकलीफ है। गुरु भगवंत को आशंका थी कि मुनिराज के मन में कोई विचार चल रहा है जो उन्हें निरुत्साही बना रहा है। शाम को प्रतिक्रमण करने से पहले मुनिश्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब ने वार्तालाप शुरू किया और प्रोत्साहन की बातों से ट्रैक चेंज करा दिया। मुनिराज पर असर हो रहा है ऐसा जानकर बात आगे बढ़ी। धीरे धीरे तत्व रुचि, मोक्ष रुचि, भविष्य की निर्भयता आदि बातों का समावेश करवाते गए। प्रायः 30 से 40 मिनट का समय पसार हो गया। सैनिक महाराजा विशेष कोई आराधना न कर सके, लेकिन प्रभु की वाणी पसंद आ गई और इस पसंदगी के आधार से संसार सागर को सीमित कर दिया। मुनिराज, प्रभु की वाणी पर ऐसा सच्चा प्रेम हमने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है तो हम उससे ही कृतार्थ हो गए हैं। जीवन में भले दूसरा कुछ न हुआ परंतु अनंत काल में नहीं बनी हुई घटना यह हो गई है। प्रभु की वाणी पर प्रेम इस सच्चे प्रेम की ताकत है कि आने वाले दिनों में ऊंची अवस्था को प्राप्त कराकर हमें पार उतारेगा। मुनिराज, प्रभु की वाणी का प्रेम का आनंद ऐसा होता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु परिस्थिति की चिंता अपनी प्रसन्नता को कम न कर सके। इसलिए तो नरक में भी श्रेणिक महाराजा प्रभु के प्रेम के आधार पर साधना कर रहे हैं। प्रभु के मार्ग की पसंदगी का आनंद संसार सागर से पार उतरने का विश्वास दिलाता है और उस विश्वास में ऐसी शांति छुपी हुई है कि दुनिया के सुख दुख मिले या न मिले उसका कोई रंज नहीं होता। अनंत काल में जो नहीं मिला वह मिल जाने से दुनिया का अपने ऊपर असर कम हो जाता है। मुनिराज, ये सम्यक्त्व का धमाका अपने दिल में एक बार तो हो ही चुका है तो ये सत्य घटना ही इतनी आनंददायक है कि दूसरी किसी बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, दूसरा सब कुछ यूं ही खींचा चला आएगा। ये सभी बातें सुनकर अंत में मुनिराज बोले, हाँ ऐसी कोई बात हो तो यूं चार्ज हो जाने का अनुभव हो जाता है। बस ये बात सुनकर मुनि श्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब उनकी परिस्थिति को समझ गए। परंतु मुनिराज की नस नस से वाकिफ गुरुदेव मुखाकृति को देखते ही जान गए थे कि उनको क्या तकलीफ है। एक दिन दोपहर में रूम का दरवाजा बंद करके मुनिराज का हाथ पकड़कर गुरुदेव ने मुनिराज का मन खुलवाया। गमगीन आंखों से मुनिराज बोले, गुरु महाराज मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी कम शक्ति से ज्यादा समय नहीं निकलेगा, अब जिंदगी का अंत आ रहा है ऐसा लग रहा है। गुरु महाराज ज्योतिषी का क्या कहना है? गुरुदेव श्री ने कहा कि आपने ही तो मुझे पहले उमरा यानी कि सूरत में कहा था कि जो होना है होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं, तो अब क्यों ढीले पड़ रहे हो? मुनिराज ने बोला, हाँ कहा तो था।
गुरुदेव ने मुनिराज से कहा, बस तो अब हिम्मत रखकर वीर बनकर सामना करना है। जो होना है होने दो, शरीर शरीर का काम करेगा, आपको अपनी आत्मा को संभालना है। एक बात समझ रखो कि हम शरीर को संभालने संयम के मार्ग पर नहीं आए हैं, आत्मा का लक्ष्य लेकर आए हैं। शरीर को साथ देना होगा तो दे, आपको उसके सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। अपनी आत्मा में अनंत शक्ति है, अकेली आत्मा के सहारे साधना करेंगे। शरीर को तो हम पूरी तरह से संभाल ही रहे हैं, आप बस आपकी आत्मा का ध्यान रखो। ज्योतिषी कहते हैं कि गृह स्थिति खराब है इसलिए ऐसा हुआ है, परंतु आपको अगर जीवन का अंत दिख रहा है तो अब आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इस जगत की चिंता छोड़कर, इस शरीर का टेंशन छोड़कर समाधि को दृढ़ बनाना है। इतने में ढीले पड़ जाओगे तो नहीं चलेगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मजबूत बनकर तैयार हो जाओ। शरीर तो यूं भी आज नहीं तो कल ढीला पड़ेगा, उसके पीछे दीन नहीं बनना है। आत्मा अमर है और उसे साधने के लिए ही संयम के मार्ग पर हम आए हैं। अब नश्वर को छोड़ शाश्वत को पकड़ो। गुरुदेव श्री की अमृतवाणी से मुनिराज का मन पुनः जीवित हो गया, उनके मन का शल्योद्धार हुआ और वे अपने लक्ष्य में सुस्थिर हुए। अब उन्होंने समाधि को अपने जीवन का टारगेट बना दिया। 80 वर्ष के वृद्ध को भी जब ख्याल आता है कि अब मरना पड़ेगा, तब हॉस्पिटल में हाय तौबा मचाकर डॉक्टर से भीख मांगता है कि मुझे बचा लो, जबकि मात्र 20 वर्ष की उम्र में मृत्यु को गले लगाने के लिए महामुनि अपने मन को तैयार कर रहे थे। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रवि रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। छोटी उम्र में तबियत अस्वस्थ होते हुए भी वांचन लेखन आदि करते थे, स्वाध्याय रुचि उत्तम थी, उन्हें पुनः छोटी उम्र में संयम की आराधना मिले। जय जिन शासन, जय महावीर।